भाई यो भाई शान स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। जहाँ पे आज हम लोग फिर से खेलने वाले पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड। तो अगर तुमको लास्ट एपिसोड में याद हो, कुछ भी नहीं हुआ वो छोड़ दो, लेकिन हमको ये गड्डी मिल गई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, मैं सही बता रहा हूँ। अगर तुमको दिखाओ ना, तो यार चलाते चलाते हम गियर लगा के इसको आगे और तेज भगा सकते हैं और इधर हम नहीं जा सकते। मैं फिर से गलती कर रहा हूँ भाई, मैं लास्ट एपिसोड में 3-4 बार यहाँ पर टकरा गया था, लेकिन मेरे को मन कर रहा है कि मैं इसको और चलाऊँ एक्चुअली। बट चलो ठीक है, आज के एपिसोड में हमको पहले इस टाउन को एक्सप्लोर करना है, देन हमको कोई अंडरग्राउंड मेल से बात करना आई थिंक। सो एक बार हम लोग मिशन में देख लेते हैं। व्हाई डोंट यू पे द अंडरग्राउंड मैन अ विजिट? अंडरग्राउंड मैन को हमको विजिट करना है, आई डोंट नो अब कहाँ पे है, बट हाँ चलो ठीक है। हम एक तरफ से सारे घर देख डालेंगे और देखेंगे भाई कहाँ। ओह ये देखो, ये स्टैचू तुमको पता है किसका स्टैचू है? शायद से डीएलगा का है, लाइक उसको जो प्रोनंसिएट करते हैं। मेरी प्रोनंसिएशन खराब है भाई, मैं सही बता रहा हूँ। अभी पोकेमॉन को क्या प्रोनंसिएट करते हैं, डीएलगा, डायलगा या फिर जो भी उसको बोलते हैं, बट हाँ स्टैचू तो वही है। यहाँ पे स्टैचू पे कुछ लिखा हुआ है, डिया। ओके, लगता है मेरे को नहीं बताना चाहिए था तुमको, पर चलो ठीक है। यप, सच इज ब्लेसिंग ऑफ डिया, डिया या डीएलगा। चलो ठीक है बॉयज, हम लोग यहाँ पे पहले सारे घर को एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि उसमें मुझको काफ़ी मज़ा आता है, और देखते हैं कि क्या हमको कहीं पे कोई आइटम मिलेगा। ये घर थोड़ा साइड में है ना, और तुम जहाँ भी देखो ना, यहाँ पे बाइसिकल्स लगे हुए हैं हर घर के आगे में, मतलब हाँ यहाँ पे सब ने बाइसिकल ले ही लिया है, बाइक ले लिया है एक्चुअली, इसको बाइक बोलते हैं ना। ओके, यहाँ पे एक दद्दू जी हैं। इटर्ना केम टू बी लॉन्ग एगो इन ऑनर ऑफ एंशिएंट पोकेमॉन, though many things have changed, what is important has not. मैं उम्मीद करता हूँ it remains that way forevermore. देखते भाई, बताओ दादी से तो हम बात करना भूल ही गए थे। Have you seen that Pokemon statue? जब मैं छोटी बच्ची थी वो सेंटर पीस की तरह यूज किया जाता था फेस्टिवल्स के दौरान। ओहो ऐसी बात है भाई, तब तो भाई काफ़ी अच्छी चीज़ है, लाइक वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था यार, मतलब हाँ इतना अच्छा पोकेमॉन है तो यू नो लोग उसकी पूजा भी करते होंगे, यू नो जैसे हमारे वर्ल्ड में गॉड है वहाँ के लिए वो पोकेमॉन गॉड है। वैसे गॉड पोकेमॉन नहीं है, गॉड पोकेमॉन तो हमारा बीडूप है यार, आरसीएस नहीं है। ओके ओके, हम लोग फिलहाल के लिए कहाँ चले, यहाँ पे तो हमने सब कुछ देख ही लिया है। मेरे ख्याल से ये बगल वाले बिल्डिंग में चल के देखना चाहिए, आई डोंट नो कौन सा ये बिल्डिंग है, कहाँ पर ये क्या है, इसमें कुछ हमको मिलेगा कि नहीं अंकल जी। हाँ ये घर 24 घंटा खुला रहता है। ओह यहाँ पे निकनेम रेटर हमको मिला, तो हमको अगर किसी पोकेमॉन का नेम चेंज कराना है ना तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके वैसे तो मेरे को नहीं करना अभी फिलहाल के लिए, बट हाँ जब हमको आना होगा तो हम आ जाएंगे इस सिटी में, इटर्ना सिटी में। बेटिया क्या बोल रहा था? एक्सक्यूज मी, बट तुम्हारे पास एक पोकेमॉन है जिसका नाम ब्यूजल है? हाँ मेरे पास है, क्या तुम उसको ट्रेड करना चाहोगे मेरे चैटॉट से? भाई चैटॉट कौन सा पोकेमॉन है? आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं है कि वो कौन सा पोकेमॉन है, तो मैं ऐसे ही ट्रेड नहीं कर सकता यार। बट तुम लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैंने तो उसका शायद से पता नहीं, मैं नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, मेरे को नहीं पता उसके बारे में। बट चलो ठीक है बच्ची, लगता है तुम्हारा ही रूम है यहाँ पे। गार्डेनिया हमारी जिम लीडर, वो हमेशा जाते रहती है इटर्ना फॉरेस्ट में। आई ऑलवेज वॉन्डर वॉट सी डज देयर। अरे ट्रेनिंग करती है यू नो, और क्या कर सकती है वहाँ पे, थोड़े ना जंगल में मंगल करने जाएगी, या फिर हो भी सकता है। आई हैड दीस डीएम्स फॉर द मूव रिसाइकल फॉर सच अ लॉन्ग टाइम नाउ, दे आर नॉट एनीथिंग दैट आई हैव मच यूज फॉर दीस डेज। चलो ठीक है, जब आप इतना बोल रहे हो तो हमको दे दो रिसाइकल, वैसे तो हम इसका यूज़ नहीं करने वाले, बट हाँ तुमको अगर चाहिए होगा तो यहाँ पे वो टीएम मिल जाएगा तुमको। किसी ने बोला था कि तू कचरा भी चेक कर भाई, खाली है ना ये, आप मेरे को लग रहा था खिराली करवाली मैंने बेच थी यार, कचरे चेक करके, मतलब कचरे का डब्बे चेक करके। ओके चलो कोई बात नहीं बॉयस। और बकचर भैया क्या हाल चाल चल रहा है तेरा? ठीक है ये सब तो मेरे को पता है, तेरे को कुछ देना है दे सकता है तू, मैं मना नहीं करूंगा। पैचेस फ्रॉम जिम्स और विन इन सुपर कॉन्टेस्ट शोज, देयर आर मोर देन जस्ट वन वे टू बी अ विनर इट सीम्स। वैसे हाँ मेरे को कॉन्टेस्ट के बारे में पता है, यहाँ पे कॉन्टेस्ट वगैरह कहाँ पे होता है यार, अब तुम स्पॉइल मत कर देना। अच्छा ये क्या बोल रहा है? हो रे मेरा सीक्रेट बेस अभी और अच्छा हो गया, चल भाई तो इसमें मैं ही आ कर सकता हूँ। वैसे बहुत सारे लोग बोले थे कि यहाँ पे हम सीक्रेट बेस बना सकते हैं, भाई कैसे बना यार, हम मुझको ही बनाना है, माइट भी साथ से आगे की स्टोरी में वो चीज़ हो, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार उस चीज़ के लिए। ओ डोंट यू टेल मी यू डोंट हैव एन एक्सप्लोरर किट, यू शुड हैव अ वर्ड विद द मैन नेक्स्ट डोर टू द पोकेमॉन सेंटर,
पोकेमॉन सेंटर के नेक्स्ट डोर, अच्छा वो भी चेक कर लेंगे, हमको एक्सप्लोरर किट चाहिए ना, माइट भी उसके बाद हम देख सकें। वैसे किसी ने बोला था कि वो किट लेने के बाद ना हम वो अंडरग्राउंड का कुछ कर सकते हैं, तो मैन नेक्स्ट टू द पोकेमॉन सेंटर, ये वाला घर यहाँ पे गया था मैं क्या शायद से, नहीं आया था मैं, अंडरग्राउंड मैन यही तो है भाई, इसी से हमको बात करना था। मैं पहला आदमी हूँ जिसने जिक्रिंग स्टार्ट की थी अंडरग्राउंड में, आई एम यू कैन कॉल मी द अंडरग्राउंड मैन, एवरीवन एल्स डज, भाई ये डबिंग नहीं हो गई मुझसे। चलो ठीक है, हमको डायरेक्टली एक्सप्लोरर किट बैठ गया। मैं बस इसी तरह ट्राई कर रहा था, कुछ कुछ अलग अलग ट्राई करना चाहिए ना, यू नो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। Let me monitor you as you become a full placed. रहने दे भाई, let me monitor you as you become a full placed SP linker. Just follow my lead. Okay, चलो इसका लीड हम फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या कहाँ हमको ले जा रहा है ये अंडरग्राउंड वे में क्या होगा भाई। पहले तुमको जाना होगा अंडरग्राउंड में, गोइंग अंडरग्राउंड इज क्वाइट ईजी, सिंपल, यूज योर एक्सप्लोरर किट, इट कांट बी यूज इनडोर और इन केव, नाउ गिव इट अ ट्राई। ओके लेट्स यूज इट मैन, हमारा एक्सप्लोरर किट ये रहा भैया। क्या हो भाई, वेट व्हाट इज दिस मैन, ये रॉक कैसे आ गया, मतलब हाउ कैसे आ गया भाई ये। ही आई लव, ये तुम्हारा पहला टाइम है ना यहाँ पे, तुम्हारा स्वागत है सिनो ग्रैंड अंडरग्राउंड में। This is a network of tunnel, caves and caverns lying beneath Sinnoh. What I am doing down in the expanse of a place? That's a kind of hard to answer. Okay. मेरा मतलब तुम यहाँ पे काफी कुछ कर सकते हो, जो भी तुम चाहो यहाँ पे। For instance, तुम यहाँ पे dig up कर सकते हो fossils को और treasury को, और you can make your own secret base. Okay. तुमको बात करना चाहिए इटर्ना सिटी के अंडरग्राउंड मैन से और बहुत कुछ सीखने के लिए। Why is the way to go back to the surface? Remember why? अब मुझे जाना होगा, I will see you around. Okay भाई, चलिए हमको बताने के लिए आया था, बट यहाँ 0 से 40 तक कुछ है ना, लेकिन कुछ तो है, बट लेट्स सी बॉयज यहाँ पे बेस वगैरह कैसे बनता है यार, मेरे को वो तो देखना ही है। ये कहाँ निकल गए हम, आई डोंट नो। अच्छा ये कोई और है, कौन सा केव था, कोई ग्राउंड था कि केव था, फ्रिडजल वगैरह है, बीडूप महाराज है, गैस्टोडॉन है। अरे भैया भाई हमें पोकेमॉन से इनकाउंटर कर सकते हैं ना हम, अरे वेट गैस्टोडॉन, लाइक ये वैसा वाला रीजन है, मतलब जहाँ पे तुम्हारे झरने भी हैं और ग्राउंड भी है। भाई पीछे का सीन तो देखो यार, कितना मस्त लग रहा है यार, मेरे को और एक्सप्लोर करना है, मैं इसको और एक्सप्लोर करता हूँ। वैसे तो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है कि किस चीज़ का है, मतलब लाइक मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मेरा पोकेमॉन फेंटेड है, व्हाट द हेल आई नीड टू रन अवे। भाई मतलब लग्जियो सिर्फ बाकी था और आगे में ग्राउंड एंड वाटर, अरे ड्यूजल छोड़ दे यार, माफ़ कर दे साइडक वगैरह, अरे 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 नहीं, हम दूसरी जगह जाके देखते हैं। भाई ये बहुत मजेदार है यार, ग्रैंड अंडरग्राउंड, अरे अरे डिगलेट महाराज है यहाँ पे। ऊपर साइड कुछ क्वेश्चन मार्क टाइप का है, मेरे को लगता है ना वहाँ पे कुछ फिर रास्ता खुलेगा। यहाँ पे कोई सीक्रेट ग्राउंड मेरे को लग रहा है, कुछ तो होने वाला है। और यह फाउंटेनियन कुछ था ना, टेनिंग केव जो भी है वो। ओके चलो ठीक है, यहाँ भी वही पोकेमॉन्स है, अरे मैं बचे निकलना था। क्या सभी जगह ऐसा ही होता है यार, मेरे को देखना पड़ेगा। अरे ये पोकेमॉन पीछे ही पड़ जाते हैं भाई बीडूप छोड़ दे यार, तो गॉड पोकेमॉन है, तो मेरे तुच्छ जैसे प्राणी पे क्यों पड़ेगा। ओके एक्चुअली ना यहाँ पे और रास्ते हैं, तुम वहाँ पे वो मैप देख सकते हो ना, और कुछ कुछ मैप लॉक्ड भी है ना, यहाँ पे कुछ है, ये कुछ ना कुछ तो है, कैसे बेस वगैरह बनाना है वो मेरे को देखना पड़ेगा। बट पहले ये वाला ग्राउंड चेक करके देखते हैं, ये फाउंटेन वाला ना निकले बस, मेरे को उसी का दिक्कत है। अरे यार कौन सा था, मैंने देखा नहीं, ये है स्पीसीएस केव। ओके यहाँ पे तुम देख सकते हो थोड़े रॉक पोकेमॉन है, वाटर पोकेमॉन टाइप के भी है, बट पोकेमॉन तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, ये दिक्कत है। पनीरी वगैरह है भाई, मेरे को ज़्यादातर पोकेमॉन के बारे में पता भी नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ इसका लाइव करें क्या, मन तो मेरा यही है कि मैं लाइव करके यहाँ पे पोकेमॉन हंट करूँ थोड़ा सा अंडरग्राउंड रीजन में, बट पहले दूसरे वाले रीजन पे चले गया, मेरा मन तो कर रहा है भाई। जहाँ पे तुम जाओगे ना वहाँ क्वेश्चन मार्क से हट के वो एरिया का सिंबल बन जाएगा, लाइक वहाँ पे सैंड टाइप का कुछ बन रहा ना। ओके ये वाला देखते हैं, कुछ हमारा काम का पोकेमॉन मिल जाए भाई। अरे 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 पोकेमॉन, कौन सा पोकेमॉन है मेरे को नाम नहीं पता,
ये सबसे स्वाब्लू है, बट हाँ ये भी मेरे को वही लग रहा, सैंड वाला ही है, मतलब स्पेशियस केव या फिर जो भी ग्राउंड था वो ये वाला वही ग्राउंड है। मतलब यहाँ पे और टाइप के ग्राउंड होने वाले हैं, यहाँ पे देखो डायरेक्ट तीन ग्राउंड साथ में है। चलो उस रीजन में चल के एक्सप्लोर करते हैं, काफी बड़ा रीजन है यार, बस ये देख लेते हैं ज्यादा हमको टाइम ना लग जाए। अरे पोकेमॉन ज़ुबैट भाई पीछे आ रहा है हमारे, साइडक वगैरह है। ओके आई थिंक ये यहाँ पे रीजन डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। ओके रास्ता मेरे ख्याल से जाने का नहीं है, ये लास्ट था, एंड पॉइंट था। मैं इसको पकड़ लूँ क्या ड्रैगन डी? वैसे तुम लोग बोलोगे गाचॉम्प यूज़ करने, जो कि मैं डेफिनेटली नहीं यूज़ करने वाला, नहीं तो मैं डीएल का रख लूँगा। गाचॉम्प नहीं रखने का रीज़न ये है ना, अच्छा यहाँ पे तुम मैप देख सकते हो, गाचॉम्प ना रखने का रीज़न ये है ना कि भाई मैंने लिटरली हर गेम में गाचॉम्प को रखा है, जो भी गेम में हमको मिलता है, तो इसीलिए मैं उसको रखना नहीं चाहता। एक ओमेगा रूबी, पोकेमॉन एक्स, पोकेमॉन अनबाउंड, पोकेमॉन सो, सब में मैंने रखा है, तो इसमें नहीं रखेंगे, मैंने फैसला कर लिया है। ओके मेरे को वाई क्लिक करना है, हम लोग अभी फिलहाल के लिए यहाँ से ऊपर जाते हैं और दद्दा जी से बात करते हुए यहीं पे हैं। मैं देख सकता हूँ कि तुम अंडरग्राउंड में गए थे, वेल डन, टेक दिस एज अ रिवॉर्ड। और हमको मिला रेड स्पियो एस, लाइक मेरे को नहीं पता इनका क्या यूसेज है। देयर आर अपेरेंटली सम पोकेमॉन इन द अंडरग्राउंड दैट यू कांट नॉर्मली फाइंड अराउंड हियर। Meeting a Pokemon is 100 times more fun when it's a rare one. ये तो काफ़ी अच्छी, ये मतलब सही बात है यार, पर चलो ठीक है हम लोग जाके उनसे बात करेंगे। और तुम लोग नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैं वहाँ पे कैसे जाके एक्सप्लोर करूँ, तो यार खुद का एक्सपीरियंस कुछ बताओ यार, मतलब तुम्हारे भाई को एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, लिख डालो तुम नॉल पूरा नीचे। चलो फिलहाल के लिए हमको यहाँ से ट्रैवल करके ये रास्ते पे जाना है और साइकिलिंग करके सिंपली जाना है, तो हम लोग अपना साइकिल निकाल लेते हैं, साइकिल नहीं भाई बाइक, वेट मैंने क्या खोल लिया था अभी, ग्लोबल रूम, लोकल रूम, ये भी खोलता है, मेरे को नहीं पता, मेरे ख्याल से वो मैं नहीं यूज़ कर सकता, वो ऑनलाइन होना पड़ेगा उसके लिए, बट पहले तो मैं पोकेमॉन हील करा लूँ यार। आपको फिर से अलविदा कहने का टाइम आ गया यार, मतलब मैं क्या करूँ यार, मैं यहाँ नहीं रह सकता ना आपके लिए, मुझको सफ़र में निकलना पड़ता है, मैं बोलता हूँ आपको चलो मेरे साथ बट आप राजी ही नहीं होती हो, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। फिर से मिलेंगे आपसे, ज़रूर आपसे मिल जाएंगे ना जॉय, यू आर द क्यूटेस्ट वन। ओके बॉयज एक बार मैं बैग में चलूँ और हम लोग यहाँ से बाइक रजिस्टर कर लेते हैं, एक मिनट यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं यूज़ दिस, अच्छा यूज़ नहीं करना था मेरे को, रजिस्टर करना था भाई, मैंने गलती कर दी, इसमें कर लेते हैं एक्चुअली, हाँ यही सही रहेगा, प्रेस द बटन प्लस। ओके मैं देख लूँगा कि मेरे को कहाँ से करना था, मैं तो भूल ही गया कैसे करते हैं, बट चलो ठीक है हम लोग वो देख लेंगे बॉयज़। फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं, ये देखो भाई गियर चल रही है इस पर, ये चलाने भाई बहुत मज़ा आता है मेरे को, मैं तो चाहता हूँ पहाड़ पर कब हम चढ़ जाए, उसमें भी काफ़ी मज़ा आएगा बॉयज़। ओके फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं, और है भाई अच्छा यहाँ पे बैटल्स भी होने वाले हैं ना, चलो भाई काफ़ी मज़ा आएगा बैटल करने में, आ जाओ भाई देखते तुम्हारे पास कौन कौन से पोकेमॉन है और तुम्हारे अंदर कितना दम है। सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन है, स्टारविया। ओके वैसे बैकग्राउंड तुम देख सकते हो, बैकग्राउंड में बिल्कुल तारे ही तारे हैं, हाँ क्योंकि हम ब्रिज पे लड़ रहे हैं ना, तो माइट भी ये खुला आसमान के नीचे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब जो भी है काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को तो भाई। स्टिल मैंने पिछला वीडियो नहीं डाला अभी तक, मैं शायद से कल डालूंगा, बट मेरा खेलने का मन कर रहा था, मैं कुछ भी कर लूँ प्यास का कुछ नहीं होने वाला यार, ये पेंट हो ही जाता है भाई, मेरे को फिर जाके इसको हील कराना पड़ेगा। चल कोई बात नहीं, फिलहाल के हम लग्जियों को ले आते हैं। ओके बॉयज वी आर बैक, मेरे को यहाँ पे पहले थोड़े ट्रेनिंग बैटल स्कीप करने पड़ेंगे भाई, ये रुकता नहीं है, मतलब मैं रोक ही नहीं सकता था उसको। चलो कोई बात नहीं, हम पास कर गए सारे बैटल्स को, ये अच्छी बात है, पर चलो ठीक है भैया तुझसे भी लड़के तुम्हारा मनोकामना पूरा कर देते हैं भाई। वैसे सभी साइकिलिस्ट वाले ना पहलवान ही निकल रहे हैं यहाँ पे, जो भी है भाई मेरा ड्रेसअप तो तुम देखो यार। चलो भाई आई थिंक अभी हम जीतने वाले हैं, हराना मत प्लीज़ क्या बताइए भाई, स्टारली भी हरा दे हमको। चलो भाई जीत तो गया अब, इससे नेक्स्ट पोकेमॉन भी होगा इसके पास मेरे ख्याल से। ओके फाइनली हम जीत गए, मेरे को लगता है मेरे को पोकेमॉन स्विच आउट करना चाहिए, क्योंकि भाई प्यास नहीं जीतने वाला इसको, मैं स्टार्टिंग में रख के बस EXP दिलवा सकते हैं, बट आई डिडंट थिंक कि हाँ यहाँ पे ये काम करेगा ज़्यादा। हम लोग बस रुक के थोड़ा सा आने देते हैं उसके पास, थोड़ा सा अच्छा सा मूव, उसके बाद तो मस्त हो जाएगा वो। फिलहाल के लिए स्पार्क करते हैं हम लोग, एक मूव में गया भैया, चलो टट्टा बाई बाई या और कोई पोकेमॉन तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके चलो डैट्स नॉइस बॉय अरे चेहरे पे उदासी लेके ठीक है भाई, मेरे को सेकंड जिम लीडर काफ़ी पसंद आई, क्योंकि हारने के बाद भी उसके चेहरे पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे पहुँच गया। चलो कोई बात नहीं,
इसको जल्दी से हम लोग हरा लेते हैं। ये तो साइकिल पे बैठी हुई मोहतरमा है। ओह, इसके पास पिकाचू है। अरे भाई, इस गेम में हम फर्स्ट टाइम पिकाचू को देख रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है भाई पिकाचू को देख देख के। और फिर प्यास सामने में आ गया। चलो ठीक है, मेरे को तो ऐसे ही चेंज करना ही पड़ेगा। आ जा भाई मन पढ़ो, क्योंकि और तो कोई आने वाला नहीं है। इलेक्ट्रो बॉल, अरे भाई पिकाचू सर के ऊपर से ऐसे कर रहा है। अरे अरे भाई, वैसे वो जो ग्लिच है ना, मैं उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करूंगा। मैंने काफी सारी चीजें ट्राई की बट हो नहीं रहा था भाई, पैरालाइज कर दिया इसने यार। चलो कोई बात नहीं भाई, हम लोग फिलहाल के लिए फिर से कर लेते हैं। क्या करें हम, पावर पंच नहीं, रॉक टू भी सही है। कहीं पोशन वगैरह इसने यूज कर लिया तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई इलेक्ट्रोवेव अगेन, भाई ये बहुत खतरनाक मूव है यार। लेकिन इसके एनिमेशन काफ़ी अच्छे हैं, अगर वो क्लिच को हटा दे तो। ओके रॉकडोम अगेन, वही हम जीत जाएंगे। यार हम जीत चुके हैं क्योंकि वो 17 लेवल पे ही था। काफ़ी ज़्यादा EXP हमको मिल चुका है वॉइस। अरे अरे हाँ चलो ठीक है, ये भी रिएक्शन सही है बिल्कुल। ओके हम डायरेक्टली पहुँच गए क्या? आई थिंक हम पहुँच गए। अरे रुक जा, ये दिखता नहीं है ना इस साइड से, वो थोड़ा दिक्कत पैदा करता है। बट यहाँ पे ये मार्ट वाले क्या? लर्न हाउ टू शिफ्ट गियर्स, यू विल बी एबल टू राइड एनीवेयर। हाँ शिफ्ट गियर्स तो मेरे को लग तो रहा है उसी तरह से होता है, बट जब तक हम क्लाइंब करके नहीं देखेंगे ना तब तक तो हमको नहीं पता चलेगा। फिलहाल के लिए दोनों बैरीज उठा लेते हैं, रेस बैरीज। अगर हम कभी फ्लोरोमा टाउन में जाएंगे तो फिर वहाँ पे हम वो ले सकते हैं ना, स्टिकर्स वगैरह, तो वो भी काफ़ी अच्छा चीज़ रहेगा बॉयस। इधर साइड पेड़ है और आई थिंक यहाँ से जा सकते हैं हम क्या? मेरे ख्याल से अभी पोकेबॉल होना चाहिए। वीडियो महाराज कट कर दिए हैं और आगे चल के हम लोग देखते हैं। अच्छा ये शॉर्टकट है क्या? वेट मेरे को नहीं पता था। ओके लेट्स सी वॉइस, नीचे वाला छोटा वाला ब्रेस क्या है? हनी ट्री है यहाँ पे। अच्छा हनी ट्री के बारे में तुम लोग बोल रहे थे कि वो 6 से 24 घंटा लेता है और उसके बीच में तुमको मिल जाएगा वो पोकेमन, मतलब उसके पोकेमन स्पॉन होते हैं वहाँ पे। माइट भी वो रेयर पोकेमन भी हो सकता है और ऐसे नॉर्मल पोकेमन भी हो सकता है। बॉर्नील को मिला, चल ठीक है भाई, कुछ ना मिलने से तो कुछ मिलना ही ठीक है। और यहाँ भी मेरे को लगता है ट्रेनर्स वगैरह थोड़े से। मैं एक्चुअली बाइक को हटा दूँ क्या? ऐसे हटता है मेरे ख्याल से, या बोई इधर साइड से हम लोग चल के देखते हैं। पोकेमन्स भी काफ़ी सारे मिल रहे हैं बट मैं रीपल भी नहीं यूज़ कर सकता ना, क्योंकि मेरे को और पोकेमन्स देखने यहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं, तभी तो हम उनको पकड़ेंगे। यहाँ पे केव है, रुको मैंने कहीं कुछ ऐसा तो नहीं खोल लिया जहाँ पे हमको नहीं जाना चाहिए था? आई थिंक हमको यहाँ पर नहीं जाना है ना, आई थिंक सो। मैं गलती से यहाँ पे आ गया वॉइस, मेरे को यहाँ पे नहीं आना, मैं बाद में इसको एक्सप्लोर करूँगा। बट फिलहाल के लिए तो यहाँ पे एक और पोकेबॉल है और वहाँ पे कुछ और प्लांट्स हैं, तो वो हम चाहे तो ले सकते हैं। ओके चलो फिलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं रूट 207 पे ना। ओह ल्यूकस भैया आ रहे हैं यहाँ पे। हे आइला, तुम्हारा पोकेडेक्स का कैसा चल रहा है? भाई मैं पोकेडेक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। लेटली आई हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद अ कपल ऑफ नीड टूल्स। I will share with you, Ayla. Choose a hand. Right or left? Right or left? What should I do? देखो क्योंकि right हमेशा right होता है, right हमेशा right होता है, simple right लेंगे हम। हमको मिला VSC का। या Ayla, तुम्हें पता है कि क्या important है? और क्या important है भाई? VSC का से होता क्या वैसे? ट्रेनर battle record कर सकते क्या? अच्छा लगता है वो ट्रेनर्स को find कर सकते हैं। वैसे किसी ने बोला था हमको दूसरा ही मिल गया, ड्राउजिंग मशीन। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई, ड्राउजिंग मशीन का मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया है और वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। वेट अगर मैं तुमको दिखाऊँ ना ड्राउजिंग मशीन का यूज़ करके, तो पहले तो हम बैग में चलते हैं और उसको रजिस्टर कर लेते हैं। वैसे हम 4 ही आइटम्स को रजिस्टर कर सकते हैं ना, VSC कर तो हम वहाँ से भी इनेबल कर लेंगे। बट मेरे को वो ड्राउजिंग मशीन कहाँ गया वो? भाई यहाँ पर ड्राउजिंग मशीन नहीं है यार, कहीं इसमें तो नहीं है पोके टच में। वेट मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ और हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्या क्या आया यहाँ पे। ये सी वाला है, कितना कदम मैंने चला था। और अच्छा ये है क्या, ये क्या ये? अच्छा यहाँ पे शायद से कुछ बता रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ है। कैसे मैं करूँ अभी इसको? भाई मेरे को कुछ नहीं पता भाई। लेकिन यहाँ पे कुछ आइटम्स वगैरह का बात चल रहा है क्या? ओके लेट मी सी। मेरे को एक्चुअली यहाँ पे बी क्लिक करना पड़ेगा और जहाँ पे मैं हूँ, अरे भाई दिखा तो दे, मैं यहाँ से डायरेक्टली नीचे गिर सकता हूँ, मैं नीचे जा सकता हूँ। पोकेट टच को बंद करने के लिए तुमको ई क्लिक करना रहता है। अरे भाई यहाँ पे तो और ट्रेनर्स हैं, बट यहाँ पे पीछे वाले सिटी में जाके हम वो पोकमन हील करा सकते हैं, फिर यहाँ पे बाइक से आ सकते हैं, तो भी काफ़ी अच्छा चीज़ रहेगा। बट उससे पहले सारे बैरीज यहाँ पे कलेक्ट कर लिए जाए। ओके वही, हमने सारे बैरीज तो ले लिए हैं। वहाँ पे हनी ट्री भी है,
हमको तो वह हनी खरीद लेना चाहिए था, बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि तू खरीद भी सकता है। अरे 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं भैया, अब बाद में आके देखेंगे, पहले मेरे को पोकमन हील कराने दो, क्योंकि मेरा एक पोकमन पैरालाइज है मन पर नो, जो कि मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। तो मैं जल्दी से पहले पोकमन हील करा लूँ। आज हो भाई, मैंने सारे पोकमन तो हील करा लिए हैं, अब हमको बस इसके ऊपर चढ़ना है। और इसके ऊपर चढ़ने के लिए ये देखो, तुमको बस गियर को क्लिक करना है, मतलब तुमको बी बटन को क्लिक करते रहना है और उसके बाद वो हो जाएगा। बट चलो ठीक है, यहाँ पे हमको थोड़ा बैटल करना पड़ेगा इन ट्रेनर से ही, तो देखते भाई इनके पास कौन कौन से खास पोकेमॉन्स हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता। ओके, तो यहाँ पे हमको एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। लाइक तुम्हारा जो पहला पोकेमॉन है जो कि पोनीटा है, उस पर सुपर इफेक्टिव है मेरा वाटर टाइप, पर दूसरा पेचरुसो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है जो कि भाई हमको एक बार में हरा सकता है। लेवल 19 है, मेरे को क्या रिस्क लेना चाहिए? ओके, दम बनते ही रिस्क से वही एक मुंह पे तो मैं नहीं फेंट होना चाहूँगा। नहीं होगा मैं भाई, ऐसे मत डरो यार, नहीं होगा मैं वाइट करता हूँ पिचरिसु पे, उसी पे करते हैं हम लोग, देखते भाई। ओ ग्राउल पोनीटा कर रहा है, मेरे को लगा पिचरिसु कर रहा। बस मेरे पे तू मूव मत करना प्लीज़, मतलब मेरे पे ही करना है बट इस पे मत करना, प्यास पे। प्यास वाटर गन कर रहा है, एक मूव में जाएगा क्या ये? नहीं आने वाला, एक और मूव लगेगा मेरे ख्याल से। पिचरिसु स्पार्क कर रहा है भाई, हम ही पे कर रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, ओके बच गए बच गए बच गए। अब मेरे ख्याल से मेरे को पोकमन चेंज कर लेना चाहिए करना ही पड़ेगा मेरे को एक्चुअली। लेक्सियो भाई बाइट कर दे उस पर, आई एम गोना स्विच आउट टू मन फॉर नो। यप, और हम लोग यहाँ से कर लेते हैं फिर से बाइट, आई थिंक वही सही रहना चाहिए यहाँ पे। ओके, अभी फिलहाल के लिए मैं रॉक टूम कर लेता हूँ पोनीटा पे, क्योंकि वो सुपर इफेक्टिव है, और पिछड़ू से फिर हम बाइट ही करते हैं, और हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। क्विक अटैक भैया, चलो भाई कोई बात नहीं, इतना तो डैमेज हम सही लेंगे। बन फर्नो तू रॉक टूम कर दे, अभी तो पोनीटा गया, पोनीटा का काम तमाम है। या मैं बोल रहा था बस इस पिचरुसु का काम तमाम करना है, वो भी तुरंत में हो जाएगा मेरे ख्याल से। अरे भाई प्यास का लेवल ज़्यादा अप हो गया, चलो भाई काफ़ी अच्छा है। प्यास को मैं स्टार्टिंग में ही रखूँगा, बट जैसे पोकेमॉन आएंगे ना तो हम चेंज कर लेंगे उसको, तो आई थिंक वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं फ्लेम व्हील करूँ और इधर से बाइट कर देते हैं, अभी सब कुछ सही रहना चाहिए। ये ले भाई ख़त्म, पहले ही वो मैं, चलो भाई काफ़ी अच्छा था। आई थिंक सो मेरे को हील कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्यास को, बट चलो ठीक है, वो ही सब यहाँ पे जीत चुके हैं, देखते हैं नेक्स्ट बैटल में क्या होगा। अब तो यहाँ पे एक पोकेबल है ना, अरे भाई रुक जा, बाइक पे आइटम्स उठाना भी एक प्रॉब्लम ही है। एयर वेंट्स है जो कि अंडरग्राउंड से आते हैं, हाँ अंडरग्राउंड में भी तो सांस लेने की वो चाहिए होगी ना। चलो भाई हमको तो सुपर पोशन मिल गया यहाँ पे। अंकल जी आप उधर देखो प्लीज़, अंकल जी देख लो ना, हाँ बहुत ही अच्छे। रूट 207 यहाँ से जा रहा है, एक बार मेरे को मैप चेक करने दो, टाउन मैप, और इस टाउन मैप में हम लोग देख लेते हैं हमको किधर जाना है। हमको इधर साइड ही जाना है, तो माइट भी उधर साइड जाके हम वो पोकेबॉल वगैरह या फिर थोड़ा ट्रेनिंग बैटल कर सकते हैं। तो आई थिंक मैं वो ऑफलाइन, अच्छा यहाँ से हम नहीं जा सकते, पीछे से थोड़ा जा भी सकते थे उस जगह से, पर चलो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पहले तो इस गेम में चल के देखते हैं। और टाउन में पहुँचते हैं हम लोग, और भाई है वाटर का कलर, मेरे को यहाँ इस गेम का वाटर का कलर मेरे को काफ़ी पसंद आता है। कौन सा पोकेमॉन है भाई? जियोडूड, कभी साइनी वगैरह भी मिल जाया करो यार। चलो ठीक है मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ, एक मिनट यहाँ पे, क्योंकि रॉक टाइप पोकेमॉन मिलेगा ना तो ये अच्छा रहेगा कि मैं प्यास का थोड़ा लेवल अप कर दूँ, तो जल्दी से मैं पहले तो उसको ठीक कर दूँ उसका हेल्थ पूरा। बैरी से कुछ होगा क्या? पैरालाइज हटाने वाला कुछ बैरी है क्या? अच्छा मेरे पास शैरी बैरी है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यप हमने यूज़ कर दिया, बहुत ही अच्छे, बैरी काफ़ी अच्छा काम भी कर देता है यार, तुमको बैरी हमेशा लेना चाहिए, छोड़ना मत उसको। और यहाँ से हम थोड़े से पोशन यूज़ कर लेते हैं। अच्छा मेरे पास ऑरेंज बैरी तो है ही, तुम क्या ही करे, एक और यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ये नहीं, ऑरेंज बैरी 11 है मेरे पास, और ये भाई साहब चल तो काफ़ी अच्छा है, ऐसे ही हमने फुल कर लिया। अब तो मेरे ख्याल से हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टाउन भी आसपास ही होगा, हम लोग इसमें चलते हैं। वो इस पत्थर यहाँ पे, और ये भाई ये कौन है अब भाई? टीम गैलेक्टिक के लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं? अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी माउंट कोरोनेट इज वेयर इज सिनोज रीजन बिगेन इन अ न्यूली क्रिएटेड वर्ल्ड, अ वर्ल्ड वेयर ओनली टाइम्स फ्लोड एंड स्पेस एक्सपेंस देयर शुड हैव बीन नो स्ट्राइफी। भाई ये कैसी दुनिया का बात कर रहा है, ऐसा एग्जिस्ट करेगा भी किस टाइप का फालतू बात करते हैं ये टीम के विलन्स यार। बट वॉट बिकेम ऑफ दैट वर्ल्ड, बिकॉज द ह्यूमन स्पिरिट इज वीक एंड इनकम्प्लीट स्ट्रिफ हैज स्प्रेड। भाई तो ये बकवास करना बंद कर पहले तो, क्योंकि ये बहुत बकवास चीज़ें जो है ना, बातें वो मेरे सर के ऊपर से निकलने जा रही है कि किस तरह की दुनिया ये बनाएगा। ओके, वो इस एक पोकेमॉन को और मिला,
एंड दिस इज माचो भाई। वेल हमारे पास एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन पहले से ही है, तो हमको ये तो नहीं चाहिए। रॉक टाइप होता तो मैं उसको हरा जरूर देता। अभी फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से रास्ता निकल भी गया यार इतना जल्दी, और यार मज़ा नहीं आया। शायद से हम सिटी में पहुँच गए क्या? अच्छा रूट 8 है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। थोड़े से बैटल्स लग रहे हैं मेरे को होंगे। नीचे साइड से चले, ऊपर साइड से चले, ये तो सारे रॉक वाले लग रहे हैं। मेरे को लगता है मेरे को इधर साइड से जाना चाहिए, उधर साइड कुछ पोकेबॉल वगैरह होगा, वो भी हम चेक कर लेते हैं। बट चलो पहले इसको हराते हैं। और अब भी लगता है मेरे को प्यास का काम आने वाला है, क्योंकि इसके पास ऑनिक्स है यार। तब से इसी का तो इंतज़ार कर रहा था मैं कि अभी रॉक टाइप पोकेमॉन आएंगे और अभी हमारा प्यास काम करेगा। ओके प्यास, बुझा दे सबकी प्यास। या वाटर गन, एक मिनट इसके पास, अरे यार इसके पास वो मूव है स्टडी भाई। एक मूव में तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा बाइंड से ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा हमको मेरे ख्याल से। या 4 HP गया मेरा। चलो भाई यही करते रहो तुम बस, और सारे ट्रेनर्स को भी यही कराओ। अब तो मैं जा रहा हूँ, जितने भी ट्रेनर्स मिलेंगे ना सबसे जा रहा हूँ बैटल करने के लिए। वैसे पिछले एपिसोड में ना मैं ब्रिलियंट डायमंड अभी दिन में खेल रहा था, तो भाई रात का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम इसको रात में ही खेलो तो काफ़ी अच्छा होता है भाई। चलो फिलहाल के लिए तो पहले इसको हराते हैं। उधर साइड चल के हमको देखना है थोड़ा क्या चल रहा है नीचे वगैरह। इनके पास 2 पोकेमॉन्स हैं, दोनों रॉक टाइप होने वाले हैं मेरे को पता है। एक है जियोडूड और दूसरे में भी जियोडूड ही निकलेगा। लग तो वही रहा है मेरे को। बट चलो देखते हैं हम लोग वाटर गन करके। ये ला भाई पिचकारी, पानी की पिचकारी बोलो ना, वाटर गन पानी की गोली, गोली तो नहीं पिचकारी ज़्यादा अच्छी लगती है। ओके एक और पोकेमॉन आएगा। हैंड मैंने बोल रहा था यार, तुम्हारे सामने इतना एक्सपीरियंस बनता है तो तुम बात तो मान ही सकती हो ना मेरी। मेरे को पता था जियोडूड ही आने वाला है। एंड हियर वी गो बॉयज, देख सकते हो हमने एक और को फीड करा दिया है जियोडूड। टट्टा बाय बाय गुड बाय, खत्म, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है यहाँ पे ही। और यहाँ पे 20 लेवल पे हमारा प्यास पहुँच चुका है। बहुत अच्छे प्यास, मुझको तुमसे यही उम्मीद थी, बस थोड़े और अच्छे मूव सीख ले यार। एक वाटर गन से तो हम नहीं कर सकते सब कुछ, तुमको और थोड़ा वाटर पल्स वगैरह सीखना पड़ेगा। इन अंकल जी को हम स्केप कर सकते हैं बहुत ईजिली। एक्स स्पीड हमको मिला, इसका तुम ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं एक्चुअली। हम वहाँ पर नहीं जा सकते उसके लिए। अरे अरे अंकल जी देखो भाई, एक्सपीरियंस इसको कहते हैं, मतलब हाँ सबके सामने से हम जाके निकल सकते हैं। पहले तो उस पत्थर को तोड़ा जा भाई। वैसे बीडूफ आता है ना इसको तोड़ने के लिए, मैं सोचता हूँ कैसे तोड़ेगा वो, क्योंकि उसके हाथ वगैरह तो होते नहीं हैं, तो दांत से वो पत्थर भी तोड़ देता है। मतलब इतने मजबूत दांत ही तो बंदे को चाहिए यार कि पत्थर भी तोड़ दे। ओके ओके बट चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़े और ट्रेनर्स लग रहे हैं मेरे को होंगे। ओके यहाँ पे बैटल हो गया। रूप 208 भी है, तुमको थोड़ा अपना हेल्थ बचा के रखना पड़ेगा भाई, पता नहीं कितने ट्रेनर्स और आगे मिलेंगे। माइन जूनियर इसके पास पोकेमॉन है ना, आई थिंक इसका नेक्स्ट स्टेज मिस्टर माइन है, जो कि काफ़ी अच्छा भाई। मैंने पिछली बार ना मैंने टाइम निकाल के वो देखा था, लाइक पोकेमॉन जर्नीज का एपिसोड नंबर 7 या फिर कुछ था, लाइक वो जो हिंदी के चैनल पे अपलोड होता है, उसमें मिस्टर माइन गजब का फाइट करता है ना। मतलब हाँ दिल खुश हो जाता है यार मिस्टर माइन को देख के। बट वो जो शक्ल बनाता है भाई, उसकी शक्ल को देखने के बाद ना भाई रातों की नींद उड़ जाती है। अब अगर तुमने वो नहीं देखा ना उसका शक्ल, तो उन्होंने शायद से कम्युनिटी पोस्ट किया था पोकेमॉन एशिया ऑफिशियल शायद नाम है चैनल का, आई डोंट नो। बट हाँ हाँ उसका शक्ल गजब है यार, मतलब जो भी है। चलो ठीक है, और इसके पास है बॉन्सलाई, शायद से रॉक टाइप पोकेमॉन है ना, तो आई थिंक हमारा प्यास काफ़ी रहेगा उसके लिए। एक्चुअली ना ये पोकेमॉन दिखता ग्रास टाइप का है लेकिन ये रॉक टाइप है, ये काफ़ी अजीब चीज़ है। बट चलो ठीक है भाई, एक वाटर गन और ये ख़त्म हो जाएगा इसका खेल। या बॉय देयर वी गो। वैसे ये गेम थोड़ा सा लैग करता है क्योंकि भाई मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ, और यहाँ पे क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पोकेमॉन्स आते हैं ना उसको रेंडर करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हाँ इसी कारण से वो थोड़ा सा लैगी होता है। बट चलो ठीक है, आई थिंक इसके बाद पता नहीं कहाँ हमको जाना पड़े। पहले इस घर में देखते भाई, दद्दू जी हैं एक। हर कोई मुझे बेरी मास्टर बुलाता है, आई हैंड आउट बेरीज डेली बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू लर्न हाउ वंडरफुल दे आर। हाँ वो काफ़ी अच्छा है। ओह हमको एक बैरी मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ तो मिला यहाँ पे आने का फ़ायदा हुआ। और आंटी जी आप बताओ, वुड यू लाइक सम बैरीज, दे आर ऑल प्लम्प्ड एंड रिप्ड, पके हुए सब। अच्छा ये बेच रही है ना, एक्चुअली अभी तो मेरे को नहीं चाहिए, बट हाँ ये याद रखेंगे कि इस रूट पे यहाँ पे बैरी मिलता है, तो हम वहाँ पे स्टिकर्स ले सकते हैं फ्लोरोमा टाउन से। क्या बोला इसने, मैं तो यस बस कर दिया भाई, कुछ ट्रेड वगैरह तो नहीं था। द टाउन मैप शोज यू वेयर दे आर रिप बेरीज एंड दैट आर रेडी टू बी पिक्ड।
ओके तुम भी देख लेंगे वैसे तो। हाँ हम छानबीन करते ही रहते हैं और यहाँ पे भी काफी सारे बैरीज हैं, हम सब उठा लेते हैं, फिर ही कमाल हम नहीं छोड़ सकते ना। ओके हमने सब कुछ तो उठा लिया इनका, बट फिलहाल के लिए मैं एक बार पहले गेम सेव कर लूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि माइट भी अभी गेम क्रैश हो सकता है। बट चलो ठीक है नेक्स्ट रूट में हम लोग चल के देखते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से इसके बाद टाउन आना चाहिए बट माइट भी रूट हो भी सकता है। ये सारी मोहतरमाएँ बताओ क्या कर रही हो आप यहाँ पर? अगर तुम कह रहे हो हर्ट होम सिटी, आई ओनली से दिस सुपर कॉन्टेस्ट सो मैं जा रही हूँ एंटर करने के लिए अपने डार्लिंग पोकेमॉन के साथ। ठीक है तो हम भी वहाँ पे जा सकते हैं ना। अलेक आप बताओ। हर्ट होम सिटी इज अ ग्रेट प्लेस, हर साल उसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं सबसे डिजायरेबल प्लेस का सिनो में रहने के लिए। ओह तब तो सिटी को देखना पड़ेगा भाई। आई थिंक आप पहुँच चुके हैं हर्ट होम सिटी में, मतलब यहाँ पे दिल है, घर का दिल है जो भी है। ये बनेरी कहाँ से आ रहा? बनेरी नाम है ना इसका? ये कौन है मोहतरमा? ओह थैंक गुडनेस कि तुम यहाँ पे थी, अगर तुम यहाँ पे नहीं होती तो किसको पता था कि ये बनेरी कहाँ पर भाग के चली जाती। बेबी बनेरी फिर से पोकेबल में आ जाओ। मैं हूँ कायरिया और मैं सुपर कॉन्टेस्ट शो की जज हूँ। वेट इसने अभी बोला कि ये कॉन्टेस्ट की जज है, यू नो व्हाट इसका क्या मतलब है? लाइक हमको कॉन्टेस्ट में थोड़ा एडवांटेज मिलने वाला है बॉयज, क्योंकि यू नो हमने थोड़ी सी उसकी मदद की थी लाइक इसके कारण। क्या क्या मैं सोचते रहता हूँ भाई। वेल बॉयज आज हम लोग फिर से आ चुके हैं यहाँ पे थोड़ा सा और खेलने के लिए, क्योंकि मेरे को अपना एक पोकेमॉन पकड़ना है और मैंने कुछ एपिसोड से पोकेमॉन भी नहीं पकड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे पकड़ लिया जाए। तो मैंने थोड़ा सा छोटा सा ट्यूटोरियल देखा था जहाँ पे हम अपने पोकेमॉन को कैसे पकड़ सकते हैं वो बताया गया था, तो वही नट पहले हम लोग चलते हैं थोड़े से पोकेबॉल खरीदते हैं क्योंकि थोड़ा सा हमको दिक्कत हो सकता है पोकेबॉल्स को लेके, एंड दिस माइट टुक अ लिटिल बिट टाइम, बट चलो ठीक है हम लोग कर लेंगे इतना तो। मेरे बैग में एक्चुअली 25 पहले से ही हैं, आई थिंक 10 अभी काफ़ी रहेंगे, मेरे को ज़्यादा पैसे भी बर्बाद नहीं करना। हमको एक प्रीमियर बॉल भी फ्री में मिला भाई, क्योंकि अगर तुम 10 लेते हो ना तो तुमको एक फ्री में मिलता है, मतलब हर 10 पे तुमको एक मिलता है। बट एक बार मैं पहले गेम सेव कर लूँ जल्दी से, उसके बाद हम अंडरग्राउंड होके चलेंगे। मैंने उसको अभी तक रजिस्टर नहीं किया ना, तो हम लोग पहले इसको रजिस्टर कर लेते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा प्लेस है इसके लिए। चलो ठीक है फिलहाल के लिए मुझको यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से हम लोग सीधा चल जाते हैं अंडरग्राउंड। हमको तो भाई फिलहाल अकेले खेलना पड़ेगा, एंड हियर वी गो गाइस। हम पहुँच चुके हैं, पहुँचे नहीं है, अब पहुँच चुके हैं हम अंडरग्राउंड में। और फिलहाल के लिए हम कहाँ पे हैं भाई? इस जगह पे कौन सा ग्राउंड है मेरे को वो देखना पड़ेगा पहले। अच्छा ये स्पेसियस केव है। एक्चुअली यहाँ पे एक पोकेमॉन है जो मेरे को पकड़ना है, बट यहाँ पे उसको पकड़ना थोड़ा दिक्कत वाला होगा क्योंकि उनके लेवल काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो हाँ ये थोड़ा हमको मुसीबत पैदा कर सकता है। फिलहाल के लिए हमको फाउंटेनियन स्प्रिंग वाला वो जगह चाहिए, वो ग्राउंड चाहिए ताकि हम वहाँ तक पहुँच सके। ओके हम एक और ग्राउंड में तो पहुँच चुके हैं, अब देखते हैं कौन सा है। अरे वोल्केनो वाला है यार, यहाँ पे फायर टाइप पोकेमॉन्स होंगे। भाई मेरे को फायर टाइप नहीं चाहिए, लाइक यहाँ पे थोड़े रॉक टाइप भी है क्योंकि रॉक टाइप यू नो फायर का मतलब गर्मी सह सकते हैं थोड़ा सा, बट नहीं नहीं मेरे को भाई। अच्छा ऊपर साइड सैंड वाला है ना, मेरे को बगल में जाके चेक करना पड़ेगा। प्लीज़ से भाई निकल जा, प्लीज़ से निकल जाओ। एंड दिस इज द स्पेशियस केव जहाँ पे हमको नहीं आना था। अरे शिंक्स भाई अब किसी पोकेमॉन को मेरे को फेंड नहीं कराना, मेरे पास ऑलरेडी लग्जी हो भाई। तेरा नेक्स्ट स्टेज कुछ डर जा यार, डर के भाग जा भाई। रन कर लेते हैं हम लोग, पुन रन भाई प्लीज। आइस फैंग भाई, इसको आइस फैंग आता है भाई। यहाँ पर काफी खतरनाक पोकेमॉन्स हैं। वैसे हाँ मैंने कहीं पे सुना था, मतलब किसी ने कमेंट किया था लाइक, एक मिनट इसके बगल वाले में रास्ता है क्या? एक बार अगर मैं मैप खोलूँ ना, मैप कैसे खोलते हैं? वाई से, हाँ गो टू ग्रैंड मैप, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ऊपर साइड जो वाटर वाला है ना, मेरे को वहाँ पे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा तो हमको डायरेक्टली वो केव मिल जाएगा। तो इतना भटकने से अच्छा है कि मैं डायरेक्टली वहीं पे चल जाऊँ। हम फेंट होने वाले बॉयज, फिर हमको एक पोकेमॉन पकड़ लिया यार। यहाँ पे ठीक से भागने में भी नहीं होता यार, ये पोकेमॉन देख देख के तुमको पकड़ लेंगे भाई। बख्श दे यार क्विक गार्ड। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि ये पोकेमॉन पहला मूव करते हैं जो कि डेफिनेटली तुमको लगेगा ही, और दूसरे मूव में तुम रन कर सकते हो, तो हाँ तुमको एक मूव सहना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, जो पोकेमॉन हम पकड़ने जा रहे हैं ना लाइक उसके पास उसका मूव कितना मूव हम सह सकते हैं मेरे ख्याल से, बस हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाए बस। ओके बॉयज मोस्ट लाइकली हम पहुंच चुके हैं उस ग्राउंड पे, बस अभी ये दिक्कत है ना कि वो पोकेमॉन स्पॉन होना चाहिए। अरे यार यही तो प्रॉब्लम है कि वो पोकेमॉन स्पॉन हो ना हो, लेकिन ये पोकेमॉन
भाई छोड़ दे यार, बच ले यार मेरे को, तेरा इतना ज्यादा ज्यादा लेवल है जो कि मेरे को काफी परेशान कर रहा है भाई। और ये पोकेमोन इतने सिंपली मानते भी नहीं आए ना यार। चलो मान गया मान गया। ओके पहले तो मैं एक बार सर्च कर लेते कि वो पोकेमोन यहाँ पे है कि नहीं है। भाई सामने में मिल गया, लाइक लिटरली। यप आई वाज सर्चिंग फॉर अ टोगेपी, क्योंकि मेरे को टोगेपी इसमें इसको इवॉल्व करना है, जो कि काफी ज्यादा ऑसम रहेगा हमारी टीम के लिए। तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ यार, मैं इसी को ढूंढ रहा था और मेरे को फर्स्ट ट्राई में मिल गया। ओके नाउ दैट्स अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि ये 29 लेवल पे ऑलरेडी है। तो हाँ मैं क्या करूँ। ओके आई एम गोना यूज स्पार्क, मेरे को नहीं लगता एक मूव में फेंट होने वाली है क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा लेवल है। ओके नहीं हुई, पैरालाइज, नाइस नाइस। अब इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है आफ्टर यू। ओके चलो एक और स्पार्क, एक और स्पार्क बॉय। एंड ओके ओके मेट्रोनॉन कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, बस हम फेंट ना हो जाएं। ये कौन सा मूव है, एस्पेरियल रेड। ओरे ओरे भाई भाई एक एचपी पे लिटरली बचे हम। आई थिंक आई एम गोना यूज इट, आई एम गोना यूज टैकल। प्लीज से फेंट मत होना, प्लीज से नहीं होना चाहिए बट ओके ओके नाउ इज द परफेक्ट टाइम, अभी नहीं तो कभी नहीं। बोल रश इट्स सुपर इफेक्टिव, मेरे ऊपर ये सुपर इफेक्टिव है भाई। कोई बात नहीं, एक ही एचपी थी मेरी। अभी यू नो मेरे को डर किस बात का लग रहा है, मॉनफेर्डो मेरा लास्ट पोकेमन है, अगर ये फेंट हो गया सो उसके बाद मेरे को पता नहीं कि क्या होगा। ऑलरेडी ये 29 लेवल पे है, तो आई थिंक मेरे को अभी एक तो आइटम यूज कर लेना चाहिए जो कि है हील पाउडर, तो नहीं है रिवाइवल हर्ब है, तो इससे मैं अपने लग्जियों को रिवाइव कर लूँ। नहीं तो भाई दिक्कत हो सकती है, मैं नहीं चाहता कि मैं हार जाऊँ एक बोन रस में क्योंकि मेट्रोनॉन काफ़ी खतरनाक है यार, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके अब भी टाइम आता है पोकवेल फेंकने का, तो हम डस्क बॉल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रीमियम बॉल भी कर सकते हैं। तो पहले तो मैं पोकवेल से ही ट्राई करता हूँ, माइट भी ये पहले पोकवेल में आ जाए। फिंगर्स क्रॉस बॉय, फिंगर्स क्रॉस। नहीं इसने तो बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं दी यार, मेरे को लगता है 50 पोकेबॉल वगैरह लगने वाले हैं ही। ओके ओके दैट माइट बी डिफिकल्ट बॉय, बट हाँ पहले 10 में पोकेबॉल्स फेंकूंगा, उसके बाद हम कोई स्पेशल बॉल ट्राई करेंगे। क्वाइल से क्या होता है, ओके एंड फाइनली यार भाई ये हार्ट अटैक दिलाते दिलाते पकड़वाया है मेरे को यार। सीरियसली मेरे को काफी टाइम लग गया इसको पकड़ने के लिए। अब मेरे को इसको निकनेम देना है, मैं इसको क्या निकनेम दूं यार। ओके गाइस तो मैंने इसका नेम दे दिया है क्यूटी पाई, लाइक ये थोड़ा सा कॉमन सा नेम है बट हाँ यू कैन रिलेट इट। ओके चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के हमको यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और लेट्स गो अप, हम लोग सरफेस पे जाते हैं। मेरे ख्याल से हम जहाँ से अभी खोद के आए थे ना, हम वहीं पे वापस चले जाएंगे। एंड हाँ जहाँ पे मैं बोल रहा था, ओके दैट वाज गुड दैट वाज कूल, हमारे पास एक नया पोकेमन आ चुका है। मैं फिर से तुमको अपनी टीम दिखा दूँ, अगर तो हमारी टीम में तुम देख सकते हो क्यूटी पाई एडेड हो चुकी है। और अब भी तुमको कमेंट करके ये बताना है कि मैं इसको इवॉल्व कैसे करा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को जल्दी से जल्दी टोगी किस देखना है इस गेम में भाई, वो कितना कूल लगता है। बाय द वे आज हमने काफ़ी खेल लिया, आई होप तुमको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर देना, मतलब लाइक तो तुम कर ही सकते हो यार। और कमेंट का तुमको पता ही है क्या करना है, तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो फर्दर और एपिसोड्स देखने के लिए, लाइक कर ही दो यार क्योंकि यूट्यूब वाले तो नशा करते हैं, वो नोटिफिकेशन तुमको देते नहीं है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। बाय द वे यहां तक देखने के लिए अरिगातो।